खुद सामने वाले को आप प्रमोट करो। जब हम एजेंट के साथ बैठते हैं तो उसकी मोबाइल खुद लेते हैं, अपनी मोबाइल से नहीं, उसकी मोबाइल लेते हैं, उसी से कराते हैं। एक घंटा डेढ़ घंटा उसके पास बैठेंगे, दो घंटा बैठना हो बैठेंगे, कहे सर आप कर दीजिए, आप खुद करो। और हमारे जितने एजेंट हैं सब आनंदा करते हैं। अभी हमको फोन आया तो हम दूसरे वाले एजेंट को कहेंगे भैया आप सपोर्ट कर दो। हमारे पास इस वक्त 6-7 बच्चे एकदम आनंदा के मास्टर हो गए। अगर दूसरा कोई एक आया लेके बीमा तो मेरा वही एजेंट करके दे देता है और हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मेरा एक एक एजेंट आनंदा पे फोकस करते हैं और कर देते हैं। वो वापिस जाना पसंद, एक आध बीमा हुआ कहते हैं तो कहीं एक दो दिन रुक जाओ यार, इसको जाओ केंद्र पे और इस मोबाइल नंबर डलवा दो और इसे हम लोग आनंदा से कर लेते हैं। और हम लोगों को अब आनंदा से करने में बड़ा आनंद आता है। और हर व्यक्ति अभी तो हमारे लगता है 14 लोग एक्टिव होने हुए हैं और मैं फिर एक या डेढ़ महीने में 3400 लोग हमारे आनंदा करेंगे। और जब मैं अब एजेंट भी लाता हूं तो उनसे कहता हूं कि भाई आपको वापिस नहीं जाना है, मैं आपको बता दूंगा घर बैठे आप बीमा करेंगे। उसके पीछे एक पेन है, ज्यादातर सीएलआई है उसको नहीं लेते हैं, बीओसी का चैलेंज जाता है। अगर एक एजेंट आपका बीमा आनंदा से करता है तो बीओसी कहां से पाएगा? तो उसने हर सीएलआई को बीओसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और ये मैं करता हूं कि आप रात में 11 बजे भी आनंदा शुरू कर दिए हो तो मैं जाग के बीओसी काट के आपको दे दूंगा, या फिर मुझसे बीओसी कटवा लीजिए और तुरंत मैं बीओसी काट के उसको प्रोवाइड कर देता हूं, उसका काम हो जाता है। इस तरह से अगर एक एजेंट आनंदा कर रहा है, आनंदा करने के बाद बीओसी के लिए वापिस जाता है तो उसको मजा नहीं आएगा क्योंकि उसको वापिस जाना पड़ रहा है। अगर आनंदा कंप्लीट भी कर लिया और ऑफिस गया तो उसको लगा कि यार मैं ऑफिस गया ही तो क्यों मैं आनंदा करूं, पेपर भर के ही करूं, शायद जल्दी हो जाए। अगर वो आनंदा कर रहा है तुरंत पॉलिसी में मरा गई, बीओसी उसकी उसमें सबमिट हो गई तो उसको लगेगा कि नहीं ये ठीक है। तो वो पे थोड़ा सा सीनियर को लेना होगा कि आप शुरू करो और मैं आनंदा सबकी पॉलिसी नंबर मैं खुद आपको दिलवा दूंगा। एक और चैलेंज है, कभी कभी बीओसी नहीं कटा तो आनंदा का पेट भरना चाहिए, फाइनल होके वो ऑफिस चला जाता है और वहां से सब प्रपोजल पीओसी नंबर डाल के उसे क्लियर किया जाए। और एक सबसे बड़ा रहस्यमय आनंदा का ये है कि कभी कभी हमारी पार्टी के पास बैठे हैं तो कहती है कि सर मैं कल पैसा दे पाऊंगी और मुझे इस वक्त पैसा नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर आप मुझसे, जैसे हम लोग करते हैं कि साइन कर दो यार पैसा बाद में देना, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर अगर आप चाहें तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूं, एक आध दिन बाद प्रीमियम आप दे दीजिएगा। ऐसा करने से आपकी पार्टी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन मीन्स पूरा आनंदा कंप्लीट हो गया, बीओसी आप पुरानी डाल के उसको ऑफिस को सुपुर्द कर दीजिए, एक दिन बाद अपना पेपर जाके बीओसी कटा के कंप्लीट कर दीजिए। या कभी कभी हमको चैलेंज आता है, कोई 1,00,000 की पॉलिसी है वो 50,000 देता है और 50,000 बाद में देगा तो उसको आप पैसा रख लेते हैं तो दूसरे दिन पार्टी उस पैसा को कहती है कि सर मेरा पैसा दे दीजिए मैं बाद में आपसे बीमा करूंगा। इस कंडीशन में अगर जो आनंदा सीखा है, जो आनंदा कर रहा है, वो करेगा कि सर दे दीजिए 50,000, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूँ और बाकी पैसा जितना दिन में देना चाहें तो दें, तो आप उससे 50,000 लीजिए और उसके सामने उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 17 पन्ने का जब पेज उसके पर उसके फोटो समेत सारी व्यवस्थाएं जब उसके मेल पे आ जाएगी तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं मैंने अपने बेस पे कि अब वो पार्टी आपसे 50,000 नहीं मांगेगी क्योंकि आप 50,000 की बीओसी काट के उसको दे चुके हैं और अब उसकी मजबूरी होगी, वो पॉलिसी आपकी फाइनली क्लोज होगी। और ये चीज हम लोगों के साथ अक्सर होता है, हर एजेंटों या हर सीएलआई भाई के साथ ऐसा होता है कि कभी कभी पार्ट फाइनली क्लोजिंग हम लोगों की हो गई और घर जाते ही फोन आता है, जैसे 20,000 की पॉलिसी हुई 10,000 दिया तो घर जाते जाते उसका मूड बदल जाता है कि अभी रहने तो 2 दिन तक मेरा पॉलिसी रोके रहना। अगर आपको आनंदा आता है और उस पार्टी के सामने बैठ के वो पॉलिसी 20,000 में 10,000 दिया है और क्लोजिंग करके 17 पेज का उसे आप जब दे देंगे अपना
पूरा फाइनली रजिस्ट्रेशन, तो हमें नहीं लगता कि वो आपको मना करेगा। ये आनंद तभी आएगा जब आनंद आप सीखे रहेंगे। और सारे सीएलआई जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपके एजेंट नहीं सीख पाएंगे। इसमें बहुत कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ डरते हैं। फोन पर हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम दुनिया जहां चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं करना भाई। नो शब्द एक बार, जैसे हम फार्म भरते हैं तो नो हर जगह लिखते हैं, यहां एक बार नो करेंगे पूरा नो ले लेगा। सिर्फ नाम, डेटा बर्थ, ईमेल आईडी और पत्नी का नाम, नामनी, यही सब भरना है। और इतना आनंद है कि हम आपको क्या बताएं कि अगर पार्टी आपको यस बोली है बीमा करने के लिए, तो 10 रुपए की वीवीओसी काट के आप वो प्रपोजल को फाइनल करके ब्रांच मैनेजर को आप सौंप सकते हैं। इस तरह से अगर जो आनंदा करना सीख गया, तो मेरी गारंटी है कि उसकी पॉलिसी बढ़ जाएगी और उसके एजेंटों की ही पॉलिसी बढ़ जाएगी। अगले साल हमारा लमसम 50% पॉलिसी आनंदा से ही हुआ था। इसका यही रीजन था कि हम सारे बच्चों को सिखला दिए हैं कि अगर जो पार्टी आपसे यस कहती है कि मैं बीमा लूंगा, तो उससे आप पैसा मत मांगिए, सिर्फ कहिए कि भाई अपना हमको आधार दिखलाइए और आप फट से अपने मोबाइल से देख लीजिए कि लिंक है कि नहीं, पूछना भी नहीं है। आधार अपने हाथ में लीजिए और चेक करके बता दीजिए कि फला नंबर कहाँ है आपका। कहेगा कि तो मैं लिया हूं, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर आपका आदेश हो तो मैं रजिस्ट्रेशन कर दो, इसका पैसा नहीं लगेगा। अगर यस कर दिया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो 50% क्लोजिंग आपकी होगी। यही विधि मैं आनंदा के प्रति अपनाता हूं। हमें आनंदा बड़ा आनंद देता है और मेरा हर बच्चा आनंदा करना सीखता है। मैं 2-3 लड़का तो इधर नया लाया, ये कह के कि आप अपना काम देखो, आपको ऑफिस नहीं जाना है, मैं बता दूंगा आप घर बैठे बीमा करें। धन्यवाद सर।